योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। 75 जिलों में से 59 जिलों में बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस, आपको बताते चले कि 9 मेडिकल कॉलेजेस का जल्द पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। जो 16 जिले में बचेंगे उसको पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। सीएम योगी ने प्रस्ताव बनाने के भी इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। निर्देश उनके द्वारा दिया गया है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की दरअसल ये योजना है और इससे आने वाले वक्त में काफी फायदा होगा, खास तौर पर जब कोविड के तीसरी वेव की बात हो रही है तो उसको लेकर भी इससे काफी सहायता मिलेगी। बच्चों के लिए भी एक बेहद अच्छी खबर है जो कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। 75 जिलों में से 59 जिलों में ये मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका जल्द पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। बाकी के 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत ये मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। मयूर मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूर, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से आगे यहां पर बढ़ा जाएगा? बिल्कुल प्रिया, देखिए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला है। यूपी में 16 जिलों में पीपीई मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों को डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में पहले से ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। बचे हुए जो 16 जिले हैं वहां भी अब इसकी स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि आने वाले समय में जो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना कहीं ना कहीं बहुत टफ टास्क होता है, इसको लेकर अभी से कमर कस लिया गया है। और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लखनऊ में स्थित है, जिससे तमाम सारे जो मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनको संबद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही 4 डेंटल कॉलेजेस को इसके साथ संबद्ध किया जाएगा। मेडिकल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले से ही 12 जो कॉलेजेस हैं वो संबद्ध हैं, जिसमें से 9 जो हैं सरकारी हैं और 3 प्राइवेट हैं। तो ये भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज से जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे उनको संबद्ध किया जाए और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, नए डॉक्टर्स तैयार होंगे, उनको जो है एक रेलेवेंट डिग्री दी जा सके ताकि वो आने वाले समय में स्वास्थ्य के सुधार में बेहतर काम कर सके। दूसरी लहर में हमने देखा जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई और किस तरीके से लोगों को उत्तर प्रदेश में दिक्कत हुई, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, चाहे वो बेड की बात करें या और भी तरीके की दवाइयों की अगर बात करें, तो अब तीसरी लहर की क्या कुछ तैयारियां है उसको लेकर समीक्षा भी की है उन्होंने। और सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जो 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेज। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं शामली की। एक बड़ी खबर मिल रही है, जिला खनन अधिकारी डॉक्टर रंजना सिंह निलंबित। खनन निदेशक डॉक्टर रोशन जाकब ने निलंबित किया है। भ्रष्टाचार अनियमितताओं के आरोप लगे थे। खनन ठेकेदारों से नजदीकियों की भी शिकायतें मिली थी। जिले के अन्य अधिकारियों पर भी अब तलवार लटकी हुई है। खनन में भ्रष्टाचार को लेकर हो सकती है और भी बड़ी कार्रवाई, तो आने वाले दिनों में और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद जिला खनन अधिकारी को निलंबित किया गया है। डॉक्टर रंजना सिंह निलंबित हुई है, खनन निदेशक ने उन्हें निलंबित किया है। भ्रष्टाचार अनियमितताओं के दरअसल आरोप लग रहे थे और शिकायतें भी मिली जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और खनन ठेकेदारों से नजदीकियों की जानकारी मिल रही थी, इसके बाद से ही जो अन्य अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरने की संभावना है और यहां से आसार अब इस बात के कि आने वाले वक्त में और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। श्रवण जी मीडिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रवण, जिला खनन अधिकारी को निलंबित किया गया है, कई शिकायतें मिल रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खनन ठेकेदार के साथ नजदीकियां और खनन ठेकेदारों की शिकायत और एक यहां पर जिले के जो चर्चित दलाल है दीपक बंसल, उनकी शिकायतों पर जो मुख्यमंत्री के पास उन्होंने डायरेक्ट शिकायत की थी, उन्हीं की शिकायतों पर जांच के बाद अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, जिसमें खनन अधिकारी डॉक्टर रंजना सिंह को निलंबित कर दिया गया। वही अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से खनन अधिकारी पर कार्रवाई की गई है, अन्य जो अधिकारी उनसे संलिप्त है उनके साथ खनन में कार्रवाई करने पर आगे तो जाते थे उन पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर, भ्रष्टाचार अकेले इनके ऊपर थे या दूसरों के ऊपर भी जो लगाए गए थे उन पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर रंजना सिंह की ओर से क्या अभी तक कोई दलील सामने आई है श्रवण?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान समय में अभी हम लोग खनन अधिकारी के ऑफिस के बाहर ही हैं, अभी ताला लगा हुआ है और जब हम लोगों ने उनके फोन से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच को बता रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से खनन अधिकारी अगर कैमरे के सामने कुछ नहीं कहते तो जाहिर सी बात है जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है। बहुत धन्यवाद श्रवण आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन वो कुछ भी बोलने से बच रही हैं। हालांकि जो आरोप लगे हैं वो बेहद ज्यादा गंभीर और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। खनन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर ये कार्रवाई और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाइयां और भी सख्त कार्रवाइयां इस लिहाज से देखने को हमें मिल सकती हैं। शामली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही गोरखपुर में कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा मिलने से अलर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। 61 नमूनों में से 30 की रिपोर्ट आई। एक मरीज में कप्पा वेरिएंट पाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में कप्पा ने तबाही मचाई थी और उसके बाद से जिस तरीके से खबर सामने आई है स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे कोरोना की दूसरी लहर में इसी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी और ऐसे में जिस तरीके से नया वेरिएंट कप्पा यहां पर मिला है उसके बाद से ही प्रशासन की ओर से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य महकमा भी उठाता हुआ।